हेलो फ्रेंड, मैं हूं राकेश और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके ही चैनल में, आपका अपना इलेक्ट्रिशियन। आज का जो हमारा टॉपिक है थोड़ा अलग है। मेरा इससे पहले एक वीडियो था कि स्विच बंद है फिर भी लाइट है, मतलब उसमें मेरा क्या कंटेंट था कि हम बटन बंद कर देते हैं तो भी हमारे जो इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, लाइट हो गया या फैन हो गया, होल्डर हो गया, उस जगह तक सप्लाई रहती है टेस्टर से चेक करने पे, लेकिन हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑन ऑफ होता है। लेकिन उस पर काफ़ी सारे कमेंट ऐसे आए मुझे कि मतलब उनका कहना कैसा था कि बटन हम ऑफ कर देते हैं फिर भी LED लाइट हल्की हल्की जलती रहती है। फिर काफ़ी लोगों का क्वेश्चन ऐसा आया कि बटन बंद कर देते फिर भी हमारी झूमर हल्की हल्की जलती रहती है। ऐसा मेरे काफ़ी सारे उस वीडियो के ऊपर कमेंट आया था। चलो, मैं बोला इस पर एक वीडियो बना देनी चाहिए क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट इस तरह के आ चुके थे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपके घर में भी इस तरह का प्रॉब्लम है कि हम बटन बंद करते हैं फिर भी आपकी LED बल्ब हल्की हल्की ग्लो करते रहती है, या फिर हम बटन बंद रखते हैं फिर भी जो हमारे घर पे झूमर लगी हुई रहती है वो हल्का हल्का ग्लो करता रहता है, तो ऐसा प्रॉब्लम अगर आपके साथ है तो आपको मन में कभी ऐसा कंफ्यूजन रहता है कि हमारा स्विच खराब है या झूमर खराब है या हमारे वायरिंग में क्या प्रॉब्लम है, तो इसी सारे डाउट्स को मैं क्लियर करने के लिए वीडियो लाया हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहे, पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो जैसा कि हमने बताया कि बटन बंद करने के बाद भी LED बल्ब हल्की हल्की जलती रहती है, या फिर बटन बंद करने के बाद झूमर हल्की हल्की बंद रहती है, जलते रहती है, तो ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली जो भी ये LED बल्ब वगैरह रहती है या फिर झूमर रहती है, आजकल के समय में सब LED बल्ब, LED का ज़माना है, तो सारा बल्ब या झूमर सब LED बल्ब या झूमर ही रहता है। तो उसमें कैसा रहता है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट को चेक करने के लिए ना, प्रॉपर वे में ये काम वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, लाइट दिए ये झूमर जल रहा है तो ये हल्का जल रहा है, इसमें क्या खराब है, नहीं खराब है, वायरिंग खराब है या बल्ब खराब है, वो चेक करने के लिए हम इस बल्ब से नहीं चेक कर सकते। तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, आप जो पहले हमारे यहाँ चलती थी ना, देखो आप ये फिलामेंट वाली वाइट बल्ब जो चलती थी, इसी से आपको प्रॉपर पूरी चेकिंग हो पाएगी। कैसा, अगर मान लीजिए कैसा, LED बल्ब, ये बल्ब निकाल देंगे हम और उसके बाद हम ये बल्ब लगा देंगे वहाँ पे, उसके बाद हम बटन ऑन करेंगे, ऑन करेंगे तो ये प्रॉपर जलेगी और बंद करने पे प्रॉपर वे में बंद होगी, तो आप समझ जाइए कि आपके LED बल्ब में प्रॉब्लम है। होता क्यों है ऐसा, चलिए वो भी उस पर भी आगे बात करेंगे। मान लीजिए आपके घर में झूमर लगी हुई है, झूमर चेक कर सकते हैं, बल्ब तो आप चेक कर सकते, तो आप क्या करो वहाँ पे झूमर का जो मेन सप्लाई आया हुआ, झूमर तो आपको रिमूव करना ही पड़ेगा, झूमर को रिमूव कीजिए, जो भी वहाँ का मेन सप्लाई सीलिंग में से आया हुआ है, जो भी आपका 220-240 जो भी आपका सीलिंग में से आया हुआ है, वहाँ पे एक इस तरह से बल्ब होल्डर तैयार कीजिए, बल्ब होल्डर को रेडी करके रखिए और झूमर को डिस्कनेक्ट कर दीजिए, वहाँ पे ये बल्ब होल्डर लगाइए। ये बल्ब LED बल्ब से कभी भी चेकिंग मत कीजिएगा, काफ़ी दिक्कत आएगी। आप इस टाइप का बल्ब 100 वाट का बल्ब ले लीजिए, 60 वाट का बल्ब ले लीजिए, इसे आप वहाँ लगाओ, उसे चेक करो प्रॉपर वे में, अगर ऑन करने पर बल्ब जल रहा है बल्ब जलेगा, वायरिंग में प्रॉब्लम है तो ये नहीं जलेगा, और ऑफ करने पे ये बल्ब पूरी तरीके से बंद होगी, तो आप समझ जाओ कि हमारा वायरिंग तो सही है लेकिन हमारे झूमर में प्रॉब्लम है, वायरिंग तो सही है लेकिन हमारे बल्ब में प्रॉब्लम है। तो ऐसा होता क्यों है आखिर? तो एक्चुअली कैसा रहता है, ये जो बल्ब वगैरह रहते हैं इसमें ड्राइवर्स रहते हैं, इसमें कैपेसिटर वगैरह भी रहते हैं, तो जब वो बल्ब ऑन करता है, इसमें बल्ब ये जो इसके ड्राइवर्स रहते हैं ना, चौक रहते हैं ना, तो इसमें आपको जो कैपेसिटर का भी चार्ज रहती है उसे डिस्चार्ज करने के लिए रेजिस्टेंस लगाया जाता है, वो रेजिस्टेंस भी अगर शायद ख़राब हो जाए तो भी वो हल्की हल्की ब्लिंक करते रहती है, थोड़ी देर जलने के बाद बंद हो जाएगी। तो अगर इस तरह का प्रॉब्लम है, कभी भी कुछ चेकिंग करना है आपको, तो LED बल्ब के भरोसे पे ना रहें, प्रॉपर वे में ये बल्ब लगाएं, बल्ब आके चेक कर लेंगे आपका स्विच खराब है या लाइट खराब है, प्रॉपर वे में आप झूमर के पास लेके जाए, टेस्ट लैंप लगाए, इसे एक बल्ब होल्डर आप रेडी रखो, एक होल्डर एक बल्ब आप रेडी रखो, कहीं भी जगह पे चेकिंग करनी है तो LED बल्ब के भरोसे पे चेकिंग नहीं हो सकती है। इसके वजह से कितने लोगों को लगता है कि हमारा वायरिंग तो कहीं ख़राब नहीं हो गया। तो अगर ये वीडियो समझने में अगर आपको ये वीडियो से कुछ जानकारी मिली तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह के इलेक्ट्रिक्स रिलेटेड नए नए वीडियो मैं लाता रहूँगा, हमारे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।